भाई वोल्वो 9600 है रामदलाल हॉलीडेज वाली, इसका फेयर हमको 1000 बड़े 5 बजे इसने पहुंचा दिया नगरोटा भगवा। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली से हिमाचल, और हिमाचल में जा रहा हूँ व्लॉग वगैरह बनाने के लिए। तो अभी मैं दिल्ली से हिमाचल जा रहा हूँ वॉल्वो बस में, तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा, और जो बंदे जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एंड तो अभी तो हमको ISBT कश्मीरी गेट से बस लेनी है, वहाँ से मिलती है वॉल्वो हिमाचल के लिए। तो प्राइवेट में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं स्नो रीजन टूर्स वाली में, तो वो उसकी मैं आपको टिकट डिटेल्स सारी आगे बता रहा हूँ। अभी मैंने एक दिन पहले ही टिकट बुक करी थी, तो उस हिसाब से आपको प्राइस बताऊंगा मैं टिकट का। जितनी जितनी नज़दीक आ जाए डेट उस दिन बुक कराओगे तो और सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो चलो फटाफट से पहले चल लेते हैं ISBT, क्योंकि बस तक तो पहुँचे पहले। कश्मीरी गेट पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और यहां से बाहर निकलेंगे वॉल्वो। 7:35 हो गए, 40 का रिपोर्टिंग टाइम है, तो बिल्कुल टाइम से पहुंच गए। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी भाई मेट्रो में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऑफिस आवर्स चल रहे हैं ना, वर्किंग आवर्स वगैरह, तो लोग सारे मेट्रो में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब बाहर निकलने का गेट देख रहे हैं। तो भाई वो रहा कश्मीरी गेट ISBT, और अब आ गए हैं भाई ISBT के बाहर। यहाँ से बस मिलेगी पुल के आगे से, पुल के नीचे से मिलेगी। भाई बस वाले का फ़ोन भी आया था, उनने बोला कि आगे आ जाओ, बस खड़ी हुई है। तो चलो फटाफट चलते हैं और देखते हैं बस कैसी है। कश्मीरी गेट है उधर, और ये पुल के इस साइड यहाँ पे खड़ी होती है बसेस। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, चलो भाई फटाफट बस के अंदर ही चलते हैं। फाइनली ये रही अपनी स्नो रीजन, चलते हैं भाई। देखो ये रही अपने पीछे बस, बस आपको भी अंदर से दिखाई थोड़ी सी, अब और दिखाऊंगा। बाकी तो बस अंदर से काफ़ी सही है, स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा, और कंफर्ट वगैरह मैं आपको सारा बताऊंगा। अभी 7:55 पे जाएगी यहाँ से बस, और तो बस तो कुछ ऐसी है, इसका फेयर हमको 1100 के आसपास पड़ा। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 2 जनों का, एक दिन पहले ही बुक कराई थी हमने। और यहाँ से 7:55 पे चलेगी, सुबह 6:20 का बोला है पहुँचाने का, बाकी तो वहाँ पहुँचेंगे। हम जा रहे हैं नगरोटा भगवा तक, तो वहाँ की टिकट लगी है इतनी 1100 के आसपास 2 जनों की। तो अभी सीज़न नहीं चल रहा शायद इस वजह से, कि पता नहीं क्या भाई सस्ती हो गई टिकट। एंड बाकी तो है भैया एक बार इसमें गए थे तो 5 बजे ही पहुँच गए थे भाई, मतलब 6:20 का टाइम था और 5 बजे ही पहुँच गए। तो चलो सही है, देखते हैं सुबह कितने बजे पहुँचते हैं। एंड बस तो अंदर से काफ़ी अच्छी है, और आपको और भी फीचर्स बताता हूँ। और दिल्ली में चलती है ये ISBT कश्मीरी गेट के यहाँ से, और मजनू का टीला से चल जाती है, और यही 2 लोकेशंस हैं जहाँ से ये वॉल्वो बस चलती है। या 1-2 लोकेशन और रहेगी तो वो मैं बता दूंगा, बाकी तो यही मेन 2 लोकेशंस हैं। और भी बहुत सारी बसेस जाती हैं, बेदी ट्रैवल, लक्ष्मी हॉलीडेज। तो मैंने बेदी ट्रैवल्स का और लक्ष्मी हॉलीडेज का ब्लॉग बना रखा है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी जाके देख लेना। भाई वॉल्वो 9600 है रामदलाल हॉलीडेज वाली, और ये है वॉल्वो 9400। यहाँ पे लेग रूम काफी अच्छा है इस बस में, एंड 5 मिनट बचे हैं बस चलने के, बाकी तो बढ़िया है सब। ये इसकी जो सीट रिक्लाइनिंग की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब बाकी बसेस में कम होती है। पिछली बार जब मैं गया था स्नो रीजन में, तो मेरे को इसकी बढ़िया लगी, पूरी ऐसे लिटा दे। पकड़ो मैं करके दिखा, बाकी यहाँ पे रीडिंग लाइट्स, एसी वेंट्स, ये सब यहाँ पे है, और यहाँ पे कर्टन्स भी लगे हुए हैं, ये देखो तगड़ा। यहाँ पे ब्लैंकेट भी दे रखा है, देखो सही है, साफ सफाई सही है, स्मेल भी नहीं आ रही ब्लैंकेट में से, बाकी सब बढ़िया है। फाइनली बस चल चुकी है, हैप्पी जर्नी।
12 बजने वाले हैं और अपनी बस रुकी है खाना खाने के लिए, अब तो चलने भी वाली है। हमने खाना भी खा लिया अपना, घर से ही लेके आए थे हम लोग तो, और बाकी तो ऐसे ही रुके हैं। कोई मयूर ढाबा है यहाँ पे रुके हैं। वैसे तो जो जिसमें मैं जाता था बेरी ट्रेवल्स और लक्ष्मी होलीडेज वाली, वो रुकती थी हवेली पे, और ये रुकी है मयूर ढाबा पे। पर हमने यहाँ से कुछ खाया नहीं है एंड अपना घर से ही लाए थे, वही खाया मस्त भाई, पनीर और रोटी और वॉशरूम वगैरह हुआ है यहाँ, और वो खड़ी हुई पीछे अपनी बस। तो चलते हैं बस में बैठते हैं क्योंकि टाइम भी होने वाला है बस का। और एक मस्त बात बताता हूँ कि मैं हिमाचल गया था लास्ट 2022 में मई में, और अब जा रहा हूँ 2024 में, मतलब लगभग 2 साल होने ही वाले हैं, तो लगभग 2 साल के बाद हिमाचल जा रहा हूँ मैं। क्योंकि तो भाई बहुत ज़्यादा फॉग ही फॉग हो रखा है भाई, धुंध ही धुंध है, कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। Next morning. भाई सुबह के 5:30 बजे इसने पहुंचा दिया नगरोटा भगवा, और अभी ऐसी लाइटिंग में बात करना पड़ रहा है, यहाँ पे लाइट वाइट नहीं है। और ऑटो 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 बस ने सुबह पहुंचा दिया था हमको कितने बजे, 5:20 पे है ना। और तब हो रहा था बहुत ज़्यादा अंधेरा, मेरा फ़ोन कुछ कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था, और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और अभी 5 डिग्री टेम्परेचर था। और अभी तो हम लोग यहाँ पे आए थे रूम पे, भैया कॉलेज पे कॉलेज का अपना कुछ काम कर रहे थे और मैं सो रखा था, और अभी बज रहे हैं 12, तो हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला वाली साइड, तो चलो ऑटो लेना पड़ेगा यहाँ से। भाई ये पीछे है नगरोटा का फेमस नारदा शारदा मंदिर, तो आपको दिखाया है मैंने बाहर से। बस स्टैंड बहुत सुंदर सुंदर है, अभी दिखाया है आपको। तो ये पीछे है मॉल और धर्मशाला, हम लोग पहुंच गए मैक्सिमस मॉल, इसका व्लॉग हमने बना रखा है, एक बार आए थे यहाँ पे KFC। और बाकी तो अभी जा रहे हैं, जरा भैया का फ्रेंड आएगा उनके साथ जाएंगे हम लोग, और उस वो देखना आप नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये वाला व्लॉग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।